दोस्तों, अगर हमारा घर एक गेटेड सोसाइटी के अंदर हो, जहाँ पे क्लब हाउस हो, पार्क हो, सीसीटीवी कैमरास हो, एक अच्छी सिक्योरिटी के साथ हो, जहाँ पर आपके ऑफिस जाने के बाद आप फ्री माइंड आप अपना काम कर सके, तो यार वैसी सोसाइटी की उम्मीद हर किसी को होती है। तो दोस्तों, आज जो हम घर देखने जा रहे हैं बिल्कुल वैसी सोसाइटी के अंदर है। एक शानदार सा घर है, 3 BHK है, और ख़ास चीज़ इसके अंदर ये है, इसमें डबल एंट्रेंस है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि नीड हमारी 2 BHK की है, तो हम तीसरा बेडरूम लेकिन हम चाहते हैं, तो वो नीड हमारी यहाँ पर पूरी होती है। आप कुछ देर उसको रेंट आउट कर सकते हैं, अराउंड 6,000-7,000 रेंट हमें यहाँ पर मिल जाता है। और उसके अलावा अगर आपका कोई एक अच्छा प्रोफेशन है, जैसे आपकी क्लिनिक है, आप डॉक्टर हैं या फिर एक एडवोकेट है, या ऐसा कोई भी आपका प्रोफेशन है, तो आप उस एरिया को या उस एक रूम को एज अ अपना ऑफिस यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हाउस रहेगा हमारा, जो हमारा अपार्टमेंट रहेगा, 145 गज के अंदर रहेगा, 3 BHK, एक शानदार अपार्टमेंट पूजा रूम के साथ, स्ट्रीट पे आपकी पार्किंग रहेगी, स्पेस के मामले में अनमैच्ड। पूरी वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिए। और अगर आप मेरे बैक साइड पर देख रहे हैं हमारे ये अपार्टमेंट, जो कि काफ़ी हद तक सेल हो चुके हैं, आपको नज़र आ रहा होगा सोल्ड का बोर्ड भी। और अगर फ्रंट एलिवेशन आप देख रहे हो, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि हमारे अपार्टमेंट कितने बड़े बड़े हैं। एक बड़ी बड़ी बालकनीज है यहाँ पर, तो दोस्तों अभी जो मैं खड़ा हूँ एक अपने अपार्टमेंट में ही खड़ा हूँ, तो मैं अभी अपनी किचन से होते हुए आपको ले चलता हूँ अपने मेन एंट्रेंस डोर पे, और वहाँ से देखते हैं हम अपने अपार्टमेंट को शुरू से पूरा सा। दोस्तों, ये हमारा मेन एंट्रेंस डोर है। जैसे कि हर बार हम देखते हैं कि ऊपर आपका जो आज का मेन एंट्रेंस डोर आपका 9 फीट की हाइट तक है, तो 9 से भी थोड़ा सा ज़्यादा है अगर मैं ऊपर का एरिया जोड़ लेता हूँ। तो इसके साथ हमारे पास एक सेकेंड एंट्रेंस भी है यहाँ पर, बिल्कुल ठीक मेरे यहाँ पर, आप इजीली से यहाँ से भी आ सकते हैं। आपकी जो स्पेस है यहाँ पर पूरी रहेगी। एक कॉरिडोर में हमारे पास 2 अपार्टमेंट्स रहेंगे, ये हमारी मेन एंट्रेंस रहेगी। तो हम जैसे ही अपनी मेन एंट्रेंस से अंदर की तरफ आते हैं, तो हमारे पास होता है एक बड़ा सा ड्राइंग और डाइनिंग एरिया। जी हाँ, काफ़ी अच्छी स्पेस है हमारे पास यहाँ पर। 20 फीट का हमारा ड्राइंग एरिया रहेगा और 14 फीट की इसकी विड्थ रहेगी। तो यहाँ पर आपके सामने है बिल्कुल आपका 7 सीटर यहाँ पर लगाया गया है, और 7 सीटर को बड़े आराम से यहाँ पर लगा दिया। सेंटर टेबल लगाने के पास भी बाद भी हमारे पास स्पेस ही स्पेस है यहाँ पर। और ठीक आपके 7 सीटर के इस तरफ हमारा 6 सीटर जो है पूरा यहाँ पर लगता है। स्पेस हमारे पास यहाँ पर बहुत अच्छी है। और इसके अलावा जो हमारी सीलिंग है, वहाँ पर जो डिज़ाइन आपको मिलता है वो बहुत खूबसूरत मिलता है। पूरे घर के अंदर जो आपके हो लैंप्स हैं, लाइट्स हैं, वो पूरी आपको बहुत अच्छे से मिल जाती हैं। डिज़ाइन पूरे आपको यहाँ पर मिलते हैं, और यार बड़ा ही बजट के अंदर आपको ये घर मिल जाता है। और जो लुक है इसके, वो बिल्कुल प्रीमियम लुक्स वाली है। और आपके ड्राइंग एरिया के साथ में ही आपको यहाँ पर जो है एक पूजा रूम मिल जाता है। काफ़ी अच्छी स्पेस है यहाँ पर भी। बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं जिनको लगता है कि यह पूजा रूम का घर में होना बहुत ज़रूरी है, स्टोर होना हो, वैसे बता दूँ यार स्टोर भी यहाँ पर आपको मिलेगा ग्राउंड फ्लोर पे। और ठीक आपके जो गेस्ट हैं उनको आपके बेडरूम में या वॉशरूम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर ही अपने हाथ धो सकते हैं ईजिली। तो यार वैसे भी होता है कई बार हम खाना खाने जाते हैं तो मन नहीं होता कि हम यार वॉशरूम तक जाएँ, तो साथ में उठे यार यहाँ पर हाथ हाथ धो लिए अपने आराम से। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको पहले अपने बेडरूम की तरफ ले आता हूँ, या अपने फर्स्ट रूम की तरफ, जो हमारा एक सेपरेट है जिसे हम इजीली अलग से भी अगर रेंट आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा वॉलपेपर आपको पूरा मिल जाता है। और ठीक ये वो दरवाज़ा जहाँ से हमने एंट्रेंस ली थी, यहाँ से आप इजीली बाहर से अंदर आ सकते हैं। स्पेस आपको पूरे घर के अंदर बहुत अच्छी मिलेगी, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ आपको पूरी मिल जाती हैं यहाँ पर। यार अगर इसे हम ऑफिस की तरह यूज़ करें या फिर बेडरूम की तरह यूज़ करें, तो यहाँ पर 12x11 की आपको पूरी प्रॉपर स्पेस मिलती है, जो कि वाकई बड़ी अच्छी स्पेस है। और 12x11 का मतलब ये है कि ये सिर्फ आपकी स्पेस है, यहाँ पर आपका जो 2 फुट की जगह वो आपकी वार्डरोब्स यहाँ पर नहीं लेंगी। वार्डरोब्स हमने यहाँ पर इनबिल्ट किए हैं, क्योंकि हमें पता है यार आपकी जो स्पेस है वो आपके लिए स्पेस, वहाँ पर कोई और प्रॉब्लम ना आए। स्पेस हमारे पास रूम में भी काफ़ी अच्छी रहेगी, सीलिंग की हाइट तक की आपकी वार्डरोब्स रहती हैं। ठीक आपके इस तरफ जो है
हमारा वॉशरूम यहाँ पर आ जाता है जो कि काफ़ी अच्छी स्पेस है। एक डिज़ाइनर आपको जो है सिंक आपको यहाँ मिल जाता है, वॉल हैंगिंग आपको सीट मिलती है और प्लस एक अच्छे साइज का वॉशरूम आपको यहाँ पर मिल जाता है। बड़ी सी खिड़की हो तो यार कहने का मतलब पूरा पूरा ये है कि आप इसे एज अ रूम यूज़ करें या इसको रेंट आउट करना चाहते हैं तो वो करें, तो यार एक मल्टीपर्पज का रूम है आपको। दोस्तों इसके साथ बढ़ते हैं हम अपने किचन की तरफ। यार इस घर पे जो किचन है ना वो वाकई बड़ा शानदार है। और बता दूं यार अगर मैं महंगे से महंगा अपार्टमेंट कहीं पर लेता हूँ तो यार इतना बड़ा यार इतनी बड़ी फैसिलिटी के साथ कोई किचन हमें कभी नहीं मिलता। एंट्रेंस करते हैं, हमारे पास एक 13x13 का किचन आता है, बहुत ही शानदार। और किचन के साइड में अगर यहीं पे बात करूं तो यार हमारे पास ग्रोसरीज के लिए काफ़ी कुछ मिल जाता है यार। अपने यूटेंसिल्स यहाँ पर रखे यार, कितनी भी चीज़ें आप यहाँ पर रखें आपकी कोई भी जो चीज़ है वो कभी बाहर नहीं रहेगी, एक प्रॉपर किचन है। आप स्पेस के मामले में इस किचन के यार कोई चैलेंज नहीं है, मेरे ख्याल से कोई है ही नहीं है कुछ। प्रॉपर आपके यहाँ फ्रिज की स्पेस यहाँ मिल जाती है और ये डिज़ाइन ऐसे किया गया कि आपका जो है ड्राइंग एरिया वहाँ से थोड़ा सा अलग ही रहे, हट के रहे। ठीक है, आपके जो सीलिंग के ऊपर डिज़ाइन है यहाँ पर भी आपको पूरा मिलता है, एक अच्छी आपको यू शेप के अंदर पूरी किचन आपको यहाँ पर मिल जाती है और एक अच्छी स्पेस है यार। इजीली अगर आप 2 या 3 लेडीज़ यहाँ पर खड़ी होती है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। प्रॉपर आपका जो टॉप है वो आपका डबल टाइल का रहेगा, यहाँ पर डबल ग्रेनाइट का रहेगा। नीचे आपके जितने भी रहेंगे रैक्स वो पूरे प्रॉपर रहेंगे, सॉफ्ट क्लोजर्स के साथ है, हैवी है मटेरियल, काफ़ी अच्छा मटेरियल है यहाँ पर। जितनी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं वो पूरी प्रॉपर मिल जाती हैं हमें, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आधी अधूरी रहेगी। काफ़ी अच्छे साइज़ के कैबिनेट्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, सारे के सारे डबल लेमिनेशन है, कोई कमी नहीं हमें यहाँ पर मिलती। और आपके इस किचन के अंदर कोई स्टोरेज की कमी कभी आपको नहीं मिलेगी। सिंक हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिल जाता है, डीप है, काफ़ी अच्छा मटेरियल है यार, बिल्कुल आवाज़ नहीं आती इसकी। और पूरे सेरा की आपकी फिटिंग मिलेगी डिज़ाइनर, और ठीक यहाँ पर आपकी जो है पूरी खिड़की आपको मिल जाती है। और जैसे हमने यहाँ पर अपनी ग्रेनाइट देखा था, ग्रेनाइट का शेल्फ हम काउंटर टॉप था, ठीक आपको यहाँ पर अलग से आपका जो है गैस पाइप आपको बाहर की तरफ से मिल जाती है। और यहाँ पर प्रॉपर स्पेस है हमारी चिमनी के लिए। हाफ स्टोरेज की बात करें तो यार इस किचन के अंदर स्पेस ही स्पेस, आप जहाँ पर जो रखना चाहते हो ना वो आप रखिए। इतनी बड़ी किचन मुझे नहीं लगता आपने यार इस हिसाब से इस डिज़ाइन की हमने कहीं देखी होगी, चाहे वो करोड़ का फ्लैट हो, चाहे 80 लाख का हो या उससे ज्यादा का हो। और दोस्तों ये वही किचन है जहां से हमने भी एंटर किया था, साथ में इसके बालकनी अटैच है, मतलब कि हर रूम के साथ जो आपको बालकनी या फिर जो लाइट है फ्रेश एयर वो हर जगह रहेगी यहां पर। तो दोस्तों इसके साथ बढ़ते हैं हम अपने घर के सेकंड बेडरूम की तरफ। यार अंदर आते ही ना हमारे पास एक अच्छा डिजाइन आ जाता है, बहुत अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन दिया गया। आपकी पूरी जो बेड की बैक है, बैक वॉल के ऊपर पूरा का पूरा आपका वॉलपेपर दे दिया गया, आपका बेड लगाए पूरी स्पेस आपकी है। आपके जितने पिलर्स है उसको एक अच्छे अंदाज के साथ डिज़ाइन में बदल दिया गया और जो पूरा डिज़ाइन दे दिया गया बिल्कुल अलग से दे दिया गया। सीलिंग पर एक अच्छा काम हमें यहाँ पर पूरा देखने को मिलता है, कोई कमी यहाँ पर नज़र नहीं आती। और यार आपके जो बेडरूम्स है ये 13x11 के हैं और 13x11 का मतलब ये है कि जो 13x11 है वो सिर्फ आपका अपना स्पेस है। वार्डरोब्स आपकी जो रहेंगी वो इनबिल्ट रहेंगी, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लुकिंग मिरर आपका बीच में रहेगा, स्टोरेज नीचे भी रहेगी ऊपर भी रहेगी, तो कमी यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहेगी। और दोस्तों नीचे जितनी भी हमारे टाइल्स यहाँ पर लगी हैं पूरे घर के अंदर वो सारी बैटरीफाई टाइल्स हैं, डबल चार्ज हैं, तो कभी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें कि यार ये कहीं ख़राब ना हो, क्रैक ना हो, कुछ ऐसे कोई बात ही नहीं होती। और ठीक यहाँ पर हमारे पास एक अटैच वॉशरूम हमें यहाँ मिल जाता है, काफ़ी अच्छी फिटिंग्स के साथ आपको किचन सॉरी वॉशरूम जो यहाँ पूरा मिलता है, एक अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ आपको पूरी जो टाइल्स है वो सीलिंग की हाइट तक की मिलती हैं।
और ठीक हमारे इस बेडरूम के साथ हमारे पास एक बालकोनी की एक्सेस है, यहाँ पर मिल जाती है। काफ़ी अच्छे साइज है यहाँ बालकोनी का हमारा, हर रूम के साथ आपकी बालकोनी जो है जुड़ी हुई है, तो स्पेस हमारे पास यहाँ बहुत अच्छी आ जाती है। आप इजीली वॉशिंग क्लोथिंग यहाँ पर पूरी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा टेनिस ग्राउंड यहाँ पर ऑलरेडी मेंटेन्ड है। यह जीरकपुर में वीआईपी रोड है और जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं वहाँ हर चीज़ आपको मिल जाती है, क्योंकि वीआईपी रोड वैसे अपने आप में एक खास ब्रांड है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ हमें मिल जाती है। काफ़ी अच्छा बसा हुआ एरिया सारा, तकरीबन यहाँ खाली एरिया मिलने बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। और दोस्तों थर्ड बेडरूम भी हमारा काफ़ी अच्छी स्पेस के साथ हमें मिलेगा। सीलिंग पर बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन हमें मिलता है और बड़ी प्यारी महकाने देने वाली जो वॉल है वो यहाँ हमें मिल जाती है। बहुत अच्छा वॉलपेपर यहाँ पर लगाया गया है, बड़ा डिसेंट सा कलर है यार यहाँ पर। पूरी थीम एक है पिंक कलर की यहाँ पर नजर आ जाती है इस वजह से, तो इसलिए आप बेड यहाँ पर लगाने के बाद हमारे पास स्पेस यहाँ बहुत अच्छी निकल आती है। तो स्पेस के साथ एक चीज़ यहाँ पर भी वैसे ही है कि आपके जो बेडरूम है 13x12 का तो सिर्फ आप ही के लिए, 13x11 का, और जो वार्डरोब है वो आपकी डिफरेंट अलग से कर दी गई है, इनबिल्ट है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ठीक इसके साथ में आपको यहाँ पर एक लुकिंग मिरर मिल जाता है इस तरफ। और दोस्तों यहाँ पर भी आपको एक वॉशरूम मिल जाता है, अटैच वॉशरूम। तीनों बेडरूम्स के साथ आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है, एक अच्छे डिज़ाइन के साथ पूरे अपार्टमेंट आपका। यार 145 गज के अंदर ये डिज़ाइन देना बहुत ही मुश्किल होता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है, एक वाकई अलग चीज़ है, अनोखी चीज़ है ये। और डिज़ाइन के साथ क्वालिटी का पूरा ख्याल यहाँ पर रखा गया है, हर चीज़ आपको पूरी यहाँ पर मिलती है। पिलर्स या कॉलम्स के साथ आपको पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर मिलता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आधे उधरी यहाँ पर है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 3BHK 145 गज के अंदर, जहाँ पर आपको तीन बेडरूम्स के साथ एक स्टोर और एक पूजा रूम भी यहाँ पर मिल जाता है। एक अच्छा डिज़ाइन है, बेहतरीन काम यहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इस वादे के साथ मैं आपको फिर मिलूँगा एक नए और बेहतरीन घर के साथ। इजाज़त लूँगा, आपका दोस्त गुरविंदर, सत श्री अकाल।